हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता आज आपके साथ एक न्यू रेसिपी लेके आ गई हूँ। आज हम बनाएंगे वेज बिरयानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेज बिरयानी की रेसिपी। उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करनी है वो देख लेते हैं। सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बासमती चावल का यूज़ किया है, जो मैंने 2.5 कप जितना लिया है। ये मैंने 6 पर्सन के लिए लिया है। इसे हम अच्छे से 3 बार वॉश कर लेंगे। उसके बाद पानी निकाल लेंगे और उसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। दूसरी प्रोसेस हमें करनी है, आलू और मटर को बॉईल करना है हमें। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मटर और 1 बड़ा आलू ले लिया है। उसे हम मिनरल वाटर में डाल के बॉईल कर लेंगे 10 मिनट तक। ये हमारे चावल में उबाल आ गया है। अभी हम इसको एक बार घुमा लेंगे। उसके बाद हमें थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स इसमें भी ऐड करना है, जिससे कि हमारे चावल खिले खिले बने। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है, 2 बड़ी इलायची डाली है, काली मिर्च डालेंगे 6 से 7, उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून जितना घी। ये घी मैंने होममेड घी लिया है, जिसका सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है। अभी हमें इसमें 1/2 नींबू डालना है। नींबू डालने से हमारे जो चावल है वो खिले खिले बनेंगे और ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं और एकदम वाइट कलर में ही बनेंगे। अभी हम एक कढ़ाई ले लेंगे बड़ी वाली, उसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने 6 से 7 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है। इसमें हमें ऑनियन को फ्राई करना है, जिसे मैंने ऐसे लंबे काट लिए हैं। ये मैंने 1 बड़ा ऑनियन काट लिया है इस तरह से। ऐसे इसको पतला पतला इस तरह से काटना है और इसे हमें डीप फ्राई करना है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। थोड़ा सा इस पे नमक स्प्रेड कर देंगे, जिससे कि हमारे जो प्याज है वो जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये हमारे प्याज रेडी हो गए हैं। अभी इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप बासमती चावल को बना के रखा है, जिसकी प्रोसेस मैंने दिखा दी है। ये मैंने मटर के दाने और पोटैटो को बॉईल करके ले लिया है। फ्राई ऑनियन ले लिया है 1। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ऑनियन लिया है थोड़ा सा, धनिया बारीक काटा हुआ, लहसुन की फ्रेश कलियाँ और ड्राई पुदीना एंड फ्रेश पुदीना लिया है। ये लहसुन मैंने अपने गार्डन से ही लिया है। 1 प्याज महीन काटा हुआ, 1 टमाटर बारीक काटा हुआ। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे 2 टमाटर लिए हैं। 1 कप स्प्रिंग ऑनियन लिया है अलग से मैंने। खड़े मसाले लिए है 1 करी लीव्स, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 तेज पत्ता, दालचीनी एंड लौंग लिया है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन एंड मिर्ची की पेस्ट ली है। 1/2 टेबल स्पून नमक लिया है। अकॉर्डिंग योर टेस्ट नमक आप ले सकते हो। पहले भी हमने चावल में नमक डाला है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सुहाना बिरयानी मसाला का लिया है। इससे आपके बिरयानी का टेस्ट बहुत ही लजीज आएगा। 1 टेबल स्पून रेड मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है। वो मिल्क को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक इसमें मैं कलर ऐड करूँगी, जिसमें मैंने रेड और ग्रीन कलर का यूज़ किया है। ये कलर की डिब्बी हमने मार्केट में आसानी से मिल जाती है और 2 से 3 रुपये में ये आसानी से आपको मिल जाएगी। और ये मैंने फूड कलर नेचुरल लिया है। अभी हम ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे और जो जो हमने खड़े मसाले ऐड लिए हैं उसे इसमें डाल देंगे।
ये अच्छे से सीख जाए। उसके बाद इसमें हमें करी लीव्स डालना है। इसे मैंने धो के साफ़ करके लिया है। अभी इसमें हमें महीन काटा हुआ प्याज डालना है और उसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया है महीन काटा हुआ। यहाँ पे मैंने बड़ी कढ़ाई का यूज़ किया है क्योंकि बड़ी कढ़ाई में हम आसानी से सारी चीज़ें को हिला सकते हैं, और बिरयानी में यहाँ पे 6 पर्सन के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे बड़ी कढ़ाई का यूज़ किया है। अभी हमारे जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसमें मैंने नमक 1/2 टेबल स्पून जितना ही ऐड किया है क्योंकि हमने चावल में ऑलरेडी नमक डाला है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन एंड मिर्ची की पेस्ट जो मैं हमेशा घर पे बना के रखती हूँ वो ली है। फ्रेंड्स, इसका सेपरेट वीडियो मैंने अपनी चैनल पे डाल दिया है तो उसे आप चेकआउट ज़रूर करें, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा वीडियो। अभी मैंने 2 टमाटर जो हमने महीन काटे हुए थे वो ले लिए है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है उसे भी डाल देंगे। नमक 1/2 टेबल स्पून जितना ही डालना है हमें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और होने देंगे। अभी हमने जो स्प्रिंग ऑनियन अलग से काट के लिया था 1 कप वो डाल देंगे। स्प्रिंग ऑनियन से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। रेड मिर्ची डाल देंगे 1 टेबल स्पून। ये सुहाना का बिरयानी मसाला मैंने यूज़ किया है। धनिया पाउडर ले लेंगे। धनिया एंड जीरा पाउडर मैंने मिक्स 1 टेबल स्पून जितना डाला है। आप अलग अलग लेते हो तो 1/2 टेबल स्पून जितना डालो। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने जो आलू बॉईल करके लिए है उसे हम मैश करके इसमें ऐड कर लेंगे जिससे कि हमारे ग्रेवी की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़े और इसमें थोड़ा मीठापन भी आए। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अभी हमने जो आलू लिए है और मटर के दाने लिए हैं आलू को हम कट कर लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक के रेडी हो गई है। आलू को कट करके इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो इसे मैश करके भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 से 3 टुकड़े उसको मैश करके डाले हैं। ये मैंने बॉईल मटर के दाने जो फ्रेश वाले आते हैं वही यूज़ किए हैं। आप अगर फ्रीज़र वाले मटर यूज़ करते हो तो इसे बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जितना ही पानी ऐड करा है। ग्रेवी अच्छे से पक गई है। इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने पुदीना जो मैंने सूखा पुदीना लिया था वो एंड हरा पुदीना इसमें ऐड कर लेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर इसमें मिक्स हो जाए, और थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है, उसकी जगह आप दही का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना पानी इसमें ऐड किया है। आपको खट्टा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है तो दही भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 टमाटर का यूज़ किया है जिससे कि खट्टापन आ ही जाएगा नेचुरली। अभी हम ये ग्रेवी को अलग बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि हमें लेयर वाली बिरयानी बनानी है, और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी हम थोड़ा सा मसाला नीचे रखेंगे, उस पर हम धनिया पत्ती, स्प्रिंग ऑनियन एंड जो हमने फ्राई ऑनियन लिए है वो सबको डाल देंगे। उसके बाद हम एक लेयर चावल की बनाएंगे इस तरह से। हम यहाँ पे 2 ही लेयर बना रहे हैं तो हम यहाँ पे थोड़ी सी थिक लेयर बनाएंगे। उसके बाद मैंने जो कलर लिया है फूड कलर उसका यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहो तो ही डालो, नहीं तो फिर आप नेचुरली जो कलर आता है कलर होता है वो ही रहने दो तो भी अच्छा है। अभी हमने जो सब्जी निकाल के रखी थी उसे इस तरह से फैला देंगे। उसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन
और फ्राई ऑनियन और धनिया स्प्रेड कर देंगे। और हमने यहाँ पे लहसुन का पार्ट भी लिया है, उसे भी थोड़ा सा डाल देंगे। अभी हमने जो चावल बचे हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे, और थोड़े से चावल हमने जो सब्जी निकाली थी वो बर्तन में ले लेंगे, जिससे कि उसका कलर भी उभर के आए, जिससे कि वो येलो कलर के लगे। अभी हम ग्रीन कलर डाल देंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने मिल्क का यूज़ किया है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दूसरी लेयर हमने जो सब्जी निकाली थी उसमें हमने चावल डाल दिए थे और अच्छे से मिक्स कर दिया था। बीच में हमें धनिया पत्ती रखनी है इस तरह से, और साइड पे हमने जो फ्राई ऑनियन लिए हैं उसे इस तरह से डाल देंगे। और धनिया पत्ती स्प्रेड कर देंगे, और स्प्रिंग अनियन स्प्रेड कर देंगे, एंड जो फूड कलर लिया है उसे भी हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे अच्छे से ढक के पकने देना है। इसे हम ढक देंगे और 10 मिनट तक पकाने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमें इसे सर्व करना है। आप देख सकते हो इसका लुक कितना मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही एंटिक लग रहा है और बहुत ही अच्छा। मैंने यहाँ पे बड़ी सी प्लेट ली है और इसे उस तरह से पैक करके हम बंद करके 10 मिनट तक होने के लिए रख देंगे, और हमें गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखनी है। 10 मिनट के बाद हमें इसे सर्व करना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है हमारी बिरयानी, और एकदम अच्छे से पक के रेडी हो गई है। इसे मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ। एकदम कलरफुल बिरयानी हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे आप दही के रायते के साथ सर्व कर सकते हो, या फिर ऐसे ही खा भी सकते हो। ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है, या फिर करी के साथ भी अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, हमारी बिरयानी बनके रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही कलरफुल दिख रही है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी बिरयानी बनाइए, खाइए, और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। कोई इंग्रेडिएंट्स में प्रॉब्लम हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स दे देती हूँ। अगर आप मेरी चैनल पे फर्स्ट टाइम हो आए तो मेरी इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, जिससे कि आप मेरे अच्छे अच्छे वीडियो देख सकें। उसके बाजू में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, एंड आपका दिन बहुत ही शुभ रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू आपका कीमती टाइम मेरे को देने के लिए। बाय।